बच्चों हेडिंग डालो, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पूरा कर लिया। अब आप हेडिंग डालो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका जो डिटेल्ड वर्किंग है, डिटेल्ड वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो अगले चैप्टर में आएगा। दैट इज मैग्नेटिक। उसमें आएगा अगले चैप्टर में, बट अभी क्योंकि हम करंट पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहले थ्योरी लिखेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर्स स्मॉल डीसी करंट, मेजर्स स्मॉल डीसी करंट। इट इज बेस्ड ऑन मेजर्स डीसी करंट, स्मॉल डीसी करंट। It is based on the principle of. It is based on the principle of magnetic effect of current. It is based on the principle of magnetic effect of current. अब इसमें क्या होता है थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। डिटेल कंस्ट्रक्शन तो बेटा मैंने बोला अगले चैप्टर में आएगा। पर टेंथ में तुमने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। ये मैग्नेट के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसमें बीच में कॉइल होगी, कॉइल ये कॉइल है जिसमें जो करंट मेजर होना है वो फ्लो करेगा। और एक स्प्रिंग है यहां पे और इसके साथ एक पॉइंटर है। तो पहले डायग्राम बना लो, थोड़ा सा लिखवा देता हूं। कंस्ट्रक्शन डिटेल जो फॉर्मूले है वो अगले चैप्टर में, बट अभी बेसिक समझना है। इसमें लिखो इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देयर इज अ करंट कॉइल, देयर इज अ करंट कॉइल विच इज प्लेस्ड बिटवीन which is placed between the poles of a permanent magnet when current flows through the coil when current flows through the coil the external magnetic field will develop
विल डेवलप, विल डेवलप मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द कॉइल, विल डेवलप मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द कॉइल. तुमने पढ़ा है ना टेंथ में, जब जब कोई करंट वायर, जैसे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो और ये अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस वायर पे फोर्स लगता है, ये हमने पढ़ा है टेंथ में. तो मैं कह रहा हूँ जब इसमें करंट फ्लो करेगा कॉइल में, जिसको मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो ये जो इसकी जो फील्ड है, मैग्नेट की जो फील्ड है, वो इस कॉइल पे टॉर्क डेवलप करेगी. टॉर्क और विल डेवलप मैग्नेटिक टॉर्क. अब लिखो, ड्यू टू दिस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्क, द कॉइल विल रोटेट. Due to this torque, the coil will rotate. ठीक है सर. And the spring will twist. And the spring will twist. ये भी सही है, spring twist हो जाएगा. अब spring अगर twist होगा, बेटा spring अगर twist होगा तो एक restoring torque develop करेगा. लिखो, द स्प्रिंग विल डेवलप, द स्प्रिंग विल डेवलप रिस्टोरिंग टॉर्क. क्या बोला मैंने, द स्प्रिंग विल डेवलप रिस्टोरिंग टॉर्क. एक चीज और लिख लो, in equilibrium condition, in equilibrium condition, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे. बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, सही कह रहे हो. तो इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा. जो डिफ्लेक्शन आएगा स्प्रिंग इसमें कॉइल में, तो हम डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट. हम जैसे वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं तो वेइंग मशीन हमारा जो है नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है और फिर हमारा मास दिखाता है. तो अगर करंट इसमें डबल होगा तो डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा, अगर करंट हाफ होगा तो डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा. इतना लिखा. इसका ये कैसे रिलेशन बना, अगले चैप्टर. बेटा लिख लिया तो आगे बढ़े. हाँ सर. हाँ, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अब गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल है, सुनना बेटा, जो गैल्वेनोमीटर है उसकी ऑब्वियसली कॉइल का रेजिस्टेंस होगा. तो अब मैं उसको आगे आरजी से डिनोट करूंगा, आरजी. गैल्वेनोमीटर का जो भी कॉइल का वायर है, वायर का रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो उसको मैं आरजी से डिनोट करूंगा.
करंट एट फुल डिफ्लेक्शन, जब फुल डिफ्लेक्शन होगा उसको मैं आईजी से रिप्रेजेंट करूंगा कि इस करंट पे ये गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलो। हाँ सर, मतलब अब भी जब भी अब मैं कैलमीटर बोलूंगा तो उसका बस अब रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। तो जब करंट आईजी होगा तो फुल डिफ्लेक्शन होगा, आधा हो जाएगा करंट तो डिफ्लेक्शन आधा हो जाएगा, बात खत्म। एक टर्म होता है गैल्वेनोमीटर के लिए, दैट इज कॉल्ड इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ बेटा बोल अनंतो। अरे सर वो गलती से हो गया था। चल कोई नहीं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इस करंट सेंसिटिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, या तो डिग्री और डिवीजन पर एम्पियर। कितना डिग्री टर्न किया, कितना डिवीजन टर्न किया अपन एम्पियर। एक टर्म और होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट विल बी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, जो कॉइल का जो भी वोल्टेज होगा। सपोज करंट आई फ्लो कर रहा है कॉइल में से, तो वोल्टेज हुआ कॉइल का, तो थोड़ा और आगे देखो, जो कॉइल का वोल्टेज होगा वो I इंटू आर जी होगा। अरे हाँ सर, ये तो सही कह रहे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डिफ्लेक्शन अपॉन द करंट इज, तो अब ये रिलेशन याद रखना बेटा,